ब्लड बैंक ब्लड के नाम पर मरीजों से करोड़ों रुपए उठवाए हैं। मध्य प्रदेश के सभी ब्लड बैंक मरीज के एक यूनिट ब्लड से चार यूनिट खून बनाकर खून के नाम पर खेल खेल रहे हैं, साथ ही जिन डोनर से ब्लड लिया जाता है उनके लिए भी कुछ नहीं करते। पिछले सात सालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। ब्लड बैंक उन्हीं से रक्त वापसी की स्थिति में मरीजों से प्रतिशत 30 वसूल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड प्रतिशत की दरें तय की है, बावजूद इसके ब्लड बैंक मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। बता दें कि पहले होल ब्लड मरीजों को चढ़ाया जाता था, लेकिन अब ब्लड में रेड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट और क्रायो स्पेसिफिक अलग तौर चार अलग अलग मरीजों को दिया जाता है। तो किस तरह से मध्य प्रदेश में खून के नाम पर पैसों का खेल खेला जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लड बैंक एक यूनिट ब्लड से चार यूनिट तक तो ब्लड बना रहे हैं और जो मरीज है उनसे मनमाने पैसे तक एक जा रहे हैं। सिर्फ इसी ब्लड बैंक से सिर्फ ब्लड के पैसे ही नहीं बल्कि वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन, वहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं उनके पैसों की वसूली भी इन्हीं ब्लड से होती है। बता दें कि पहले होल ब्लड मरीजों को चढ़ाया जाता था, लेकिन अब ब्लड के चार पांच करके अलग अलग मरीजों को चढ़ाया जाता है जिनके चार गुना पैसे मिलते हैं। 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई ब्लड बैंक करते हैं। हालांकि जो नियम कहते हैं उसके मुताबिक एक तय राशि ही ब्लड देते समय मिल जा सकती है, लेकिन उसके बाद मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं।